नमस्कार दोस्तों, आप तो ट्रेन में सफ़र करते ही होंगे या आपके घर का कोई रिलेटिव या कोई दोस्त सफ़र करते होंगे। आप कभी ना कभी IRCTC.co.in से अपना टिकट या किसी और का भी टिकट आपने बुक किया होगा। आज आपको बताने वाला हूँ उसी बुकिंग के बारे में। जैसे मान लो आपको इमरजेंसी में कभी जैसे कल जाना हो या 2 दिन बाद आपको कहीं जाना हो, दूर किसी स्टेट में जाना हो, तो आपको टिकट नहीं मिल रही है, कहीं पर भी नहीं मिल रही है। ये आपको वेटिंग दिखा रहा है, चाहे 50 हो, 60 हो या 100 हो। आज आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप वेटिंग होते हुए भी आप सीनियर सिटीजन कोटा में कंफर्म टिकट आप ले सकते हैं, भले आपको आज ही क्यों ना जाना हो या कल क्यों जाना हो या 2 दिन बाद क्यों ना जाना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से सीनियर सिटीजन कोटा में आप बहुत ही आसानी से IRCTC.co.in से आप आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने IRCTC लॉगिन आईडी से IRCTC.co.in पे अपना लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं IRCTC.co.in पे, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो मैंने लॉगिन यूजर आईडी डाल दिया है, पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पर ये कैप्चा डालने के लिए बोल रहा है। मैं कैप्चा डाल देता हूँ और यहाँ पे मैंने लॉगिन कर दिया। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं। चलिए हमें जाना है NDLS से मुंबई जाना है सपोज। ठीक है, और मैं 8 तारीख मतलब 2 दिन बाद का डाल देता हूँ टिकट, सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे ट्रेनें हैं, बहुत सारे ट्रेन उस दिन यहाँ पे जा रही है, बहुत सारे ट्रेनें आप देख सकते हैं यहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोई एक, चलो गोल्डन टेम्पल, इसको मैं स्लीपर क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है वेटिंग लिस्ट। ठीक है, प्लस वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखिए इसकी बुकिंग मैं करूँगा कंफर्म टिकट। मैं एक बार फिर से बता दूँ कि ये कंफर्म टिकट सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है, नॉर्मल में नहीं होगा। सीनियर सिटीजन होगा तो होगा। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू प्रीवियस बुकिंग चॉइस। तो जैसे आप इस तरह के पेज पे अब आते हैं तो यहाँ पर आपको नाम, एज, सब कुछ यहाँ पे आपको भरना होता है। ठीक है, तो हमें क्या, मैं क्या करूँगा, ये देखो यहाँ पे सिलेक्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ, सिलेक्ट पैसेंजर फ्रॉम योर मास्टर लिस्ट। हमें यहाँ से पैसेंजर को सिलेक्ट करना है कि कौन से पैसेंजर यहाँ से जाएंगे, जर्नी करेंगे, तो यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, ओके। तो देखिए यहाँ पर 4 लोगों का है नाम, है मेरा भी नाम है यहाँ पे है। तो इसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है सीनियर सिटीजन कोटा में है और इनका वेरिफिकेशन टाइप है आधार कार्ड। ठीक है, और सबसे जरूरी बात, यहाँ पर आधार स्टेटस, यहाँ आप देख लीजिए ये जो आधार स्टेटस जो है यहाँ पर, ये वेरीफाइड होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये वेरीफाइड है तो आपको कंफर्म टिकट बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक टिकट एक बना के दिखा देता हूँ। मान लो इसमें से, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस पैसेंजर को जाना है तो यहाँ से सिलेक्ट सिलेक्ट पैसेंजर करना है। ठीक है, और एक बात बता दूं कि आधार वेरीफाइड कैसे करते हैं, अभी थोड़ी इस वीडियो के बाद मैं बता देता हूं, अभी बता दूंगा, आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। सिलेक्ट पैसेंजर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने नाम नहीं डाला, वहाँ से ये पैसेंजर का लिस्ट ले लिया है। और यहाँ पर जो ऑप्शन फॉर सीनियर सिटीजन कंसेशन, ये जो ऑप्शन होता है आपको, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ऑप्शन होता है यहाँ से आपको एवेल कॉन्सेशन जरूर करना है। ठीक है, एवेल कॉन्सेशन जब करेंगे तभी आपको फ्री, मतलब सॉरी फ्री नहीं, कुछ कॉन्सेशन करके आपका टिकट आएगा। ठीक है, और कहीं कुछ नहीं करना है। यहाँ पर फिर से आ गया है ये एक, क्या बोलते हैं इसको, कैप्चा बोलते हैं। तो ये बता रहा है कि क्लिक ऑन, है ना, मैं क्लिक लोगो फॉर वैलिडेट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्रोसेस वैलिड हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, वहां पर दिखा रहा था 48 वेटिंग। ठीक है, कि टिकट खाली नहीं है, वेटिंग है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर अवेलेबल दिखाएगा।
प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, आगे ठीक। अब देखिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी देख लीजिए आप। अवेलेबिलिटी इन सीनियर सिटीजन कोटा अवेलेबल 7, अभी भी 7 टिकट आपको अवेलेबल है सीनियर सिटीजन कोटा में, जबकि वहां पर दिखा रहा था वेटिंग 48। तो इस तरह से आप जब इस टिकट को किसी भी बैंक पेमेंट करके या सब में पेमेंट करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा। मुझे अभी टिकट करने की जरूरत नहीं है, अभी कोई जाने वाला भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको आधार कार्ड आपको लेके चलना पड़ेगा, जो व्यक्ति जर्नी करेंगे उनको आधार कार्ड की फोटो कॉपी ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जर्नी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीनियर सिटीजन कोटा में वेटिंग लिस्ट का भी अवेलेबिलिटी 2 दिन बाद भी मिल सकता है आपको। कभी कभी तो आपको जैसे आज जाना है तो आपको आज का भी मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे रिप्लान कर देता हूँ। अब आपको मैं बता दूं कि ये कैसे इसको वेरीफाइड करते हैं, कैसे रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो आप सीधे क्या क्या कीजिएगा, सीधे आपको माय प्रोफाइल में जाना है। ये देख लीजिए माय प्रोफाइल। ठीक है, माय प्रोफाइल में आपको थर्ड ऑप्शन मास्टर लिस्ट, तो मैं ये मास्टर लिस्ट पे ये मैं दिखा देता हूँ, मास्टर लिस्ट में क्लिक कर लेता हूँ। जब मास्टर लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम और आपका जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे मेल फीमेल बर्थ आपको क्या चाहिए, फूड प्रेफरेंस करते हैं नॉन वेज वेज जो भी आपको पसंद हो, सीनियर सिटीजन यस नो आपको एसी करना होगा, आईडी टाइप यहाँ से कुछ करना होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम डाल दिया, अंकुर डाल दिया है। ठीक है, ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपको कौन सा डेट ऑफ बर्थ डालना है, आधार कार्ड आपका जो है उस आधार कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है उसी डेट ऑफ बर्थ को ही आप यहाँ पे डालेंगे, वरना ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओके, तो सपोज दैट मैं कोई डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देता हूँ, सपोज दैट यहाँ से मैं 50 साल पीछे चला जाता हूँ, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, यहाँ से सपोज दैट मैं 51 चलो 50। ठीक है, मार्च ओके। ठीक है, तो ये मैं इस ये आ गया और यहाँ पे कोई भी डेट मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है 13/3/1950। ठीक है, तो 67 ईयर्स हो गया। और यहाँ पर मेल फीमेल जो भी सिलेक्ट करना है, बर्थ प्रेफरेंस मैं यहाँ से सब उधर में लोअर बर्थ कर दिया, यहाँ पे मैं वेज कर दिया, सीनियर सिटीजन यहाँ से आप यस कर दीजिए, आईडी टाइप यहाँ पे आप देखिए बहुत सारा आईडी है आपको, मैं तो आधार कार्ड के लिए बताऊँगा क्योंकि आधार कार्ड आजकल ज़्यादा चल रहा है, तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है। फिलहाल मेरे पास कोई आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं अभी तो करके भी नहीं दिखा सकता, लेकिन इस तरह से अब आपको करना है, यहाँ पे आधार कार्ड डालना है और फिर सबमिट करना है। आफ्टर सबमिट, सबमिट करने के बाद आपके यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है क्लिक हेयर टू चेक पेंडिंग अदर वेरिफिकेशन स्टेटस। ठीक है, सबमिट करने के बाद आप 10 मिनट 15 मिनट ये 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर से आप आईडी को लॉगिन करेंगे और आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखने को मिलेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप ये जो वेरीफाइड लिखा है, वेरीफाइड लिखा है यहाँ पे वेरीफाइड नहीं होगा, ये वाला नॉट एप्लीकेबल क्यों है, क्योंकि ये 50 साल से कम है, ये सॉरी 60 साल से कम है, ये मेरा ही है। ठीक है, 31 एज दिखा रहा है, तो यहाँ पे वेरीफाइड नहीं होगा तो उसको टिकट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है सिर्फ। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे यह लिख के आएगा मास्टर लिस्ट रिफ्रेश्ड सक्सेसफुली। ठीक है, जब सक्सेसफुली लिख के आएगा तो आपका यहाँ पे शो करेगा वेरीफाइड, ऐड हो जाएगा आपका वो नाम और उसके साथ। उसके बाद आप जिस तरह से पहले आपने देखा वीडियो टिकट कैसे करते हैं वीडियो में, उस तरह से आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप कभी भी कहीं भी जाना हो आपको ट्रेन से, तो आप सीनियर सिटीजन कोटा में आसानी से अपने आप ही टिकट बुक कर सकते हैं, भले आपको कल जाना हो, भले आपको 2 दिन बाद जाना हो या आज ही क्यों ना जाना हो। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगा है, इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए वंदे मातरम,
जय हिंद।